जब तक चार्ज शीट फाइल नहीं होती है तब तक हम किसी को दोषी कैसे कह सकते हैं। देखिए सर, इसकी बात है, अगर विष्णु को लेकर क्या कहना चाहेंगे? विष्णु को लेकर यही कहना चाहते हैं, जो भी किया गलत किया उसको कॉल रिकॉर्डिंग, ये गलत है सर, साइलेंट हो जाइए, गलत है, गलत सवाल मत पूछिए। हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए, हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए। फोन रिपोर्टर उसको पैक के चले आ रहे हैं, जो अश्लील वीडियो बना रहा है, फैलाए होते तो यहाँ आप लोग के बीच में नहीं खड़े होते। हमको देख के हजारों महिलाएं वीडियो बनाना सीखी है। अगर जो मीडिया वाले एक मिनट गाली दिया, गाली डालो, जो मीडिया वाले बोलते हैं कि सवाल उठ रहा है, सवाल आप लोग खुद उठवाते हैं, आप लोग खुद खोद खोद के पूछते हैं, मजबूर करते हैं, किसी को कुछ नहीं आता है, आप लोग मजबूर करते हैं किसी को बोलने के लिए। आपको बता दें कि जहां पर मालती चौहान के पार्थिव शरीर को बिड़हल घाट पर ले आते हैं लोग, लेकिन यहां पर एक, अगर हम बात करें आरोप प्रत्यारोप का दौर लगाते हुए, एक दूसरे के ऊपर लोग सवालों का सिलसिला जो है वो कहीं ना कहीं शुरू कर रहे हैं। अब ये देख लीजिए, गोरखपुरिया ये भौजी हैं और अपने गाड़ी से अब ये लगातार अब निकलने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं कहीं मीडिया से दूर भाग रहे हैं। आपको बता दें कि रुकिए ना भाई, अरे रुको ना, ऐसे कैसे कहोगे, भागो ना, आगे से लो, बस एक सवाल खाली, एक सवाल लागो, आगे करो, आगे आगे आ जाओ। गोरखपुरिया भौजी, आपको बता, हाँ कोई नहीं आया, कहीं ना कहीं आज सुबह से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, इतना टॉर्चर, अभी पहुँचे, इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया मुझे वहाँ घाट पे, सब घेर ले, मेरे पैर में चोट लग गया है। अगर मेरे यहाँ के लड़के नहीं रहे होते तो आज मैं वहाँ मर गई होती चपा करके। हाँ, मेरा मौत का जिम्मेदार कौन होगा? आज एक महिला को न्याय दिलवाने के लिए खड़ी हूँ। गोरखपुरिया भौजी, बस खाली एक सवाल ये है कि लोग आपको इतना फॉलो करते हैं, इतना लोग आपको जानते हैं, जिस प्रकार से आप मीडिया के सामने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हैं? हमने आपको कंट्रोल, हम गाली दिए हैं, पिनाइया से पागल बना दिया लोग हमको, गोरखपुरिया भौजी, ये गोरखपुरिया भौजी हो, अरे क्या किया जितना तुम लोग भाषण दे रहे हो, कोई एक बार खड़ा हुआ मालती चौहान के साथ? सवालों से आपको, उसके पापा का मदद किया, सवालों से आपको डरना नहीं है, सवालों से आपको, सवालों बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था, खाली सवाल किया जा रहा था, क्यों मौका नहीं दिया जा रहा था? हमने बोलने नहीं आता, हमें बताइए, एक महिला का हाल दबाया जा रहा है यहाँ पर, और जो भी इसके दोषी होंगे सबको सजा मिलेगा। आज इतने लोग प्रताड़ित किए, सबके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे हम। बहुत बहुत स्वागत है, नमस्ते, प्रणाम। अच्छा ये बताइए, ये जो घटना हुआ है, मालती का जो मौत हुआ है, इसके बाद जो है बहुत सारे लोग जो है आप पे आरोप लगा रहे हैं कि इस घटना में कहीं ना कहीं गोरखपुरिया भौजी का बहुत बड़ा हाथ है। अब वो आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आरोप लगाएंगे तो उनकी वीडियो वायरल हो जाएगी, व्यू के लिए ऐसा हो रहा है, व्यूज के लिए हो रहा है, सच्चाई भी दब जाएगी, हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। एक महिला के लिए अगर एक महिला खड़ी है तो उसे, उसकी आवाज दबाया जा रहा है, उसकी आवाज को दबाया जा रहा है, और हम यही कहते हैं कि अगर आज मालती चौहान मरी है, काश मेरा कोई साथ दिया रहता तो आज मालती चौहान मरती नहीं। लोग ये कह रहे हैं कि एक तरफ आप मालती चौहान के घर पे पहुंच रही है, उनसे मिल रही है, मुलाकात कर रही है, और इसके बाद आप लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर रही है, इसे आप चाह रही है कि मालती में जो भी ये विवाद हो रहा है इसे आप पैसा कमाने, ऐसे लोग आरोप लगा रहे हैं। एक चीज बता दें, अगर हम जो कर रहे हैं हम अपने चैनल द्वारा डालेंगे नहीं तो पब्लिक को पता कैसे चलेगा? हमको बताइए, हम कोई भी काम कर रहे हैं को पब्लिक के पास दिखाना, ये कहां तक सही है? ये हम नहीं लाए हैं, विष्णु राज खुद लाए हैं, और मालती हमको खुद बुलाई है, मालती कम से कम मेरे नाम से 20 वीडियो बनाई है कि गोरखपुरिया भौजी मेरा मदद करिए, मुझे बचाइए, मुझे मार देगा, मुझे मेरे साथ ये हो रहा है, सारा चीज सोशल मीडिया पे पब्लिक है, पब्लिक में वो उसके मालती चौहान के चैनल पर जाके देख लीजिए, 20 वीडियो मेरे नाम से पड़ा हुआ है, जो साफ साफ मेरा नाम लेकर के मेरे से मदद की गुहार लगा रही है। तो इतना तो हम निर्दयी नहीं है कि एक महिला होकर एक महिला का दर्द ना समझे और उसका हम मदद न करें। कुछ है, कुछ औरतें, कुछ महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ
महिलाएं हैं? बहुत सारी महिलाएं मैंने देखा है बोल रही हैं, महिलाएं हैं जो बोल रही हैं कि गोरखप्रिया भौजी क्या सीएम डीएम है, अरे कोई सीएम डीएम बन के नहीं आता है, कोई महिला मोर्चा का मिल गया, कोई ये पत्रा मिल गया तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको मिल गया तो, अरे आप भी काम कर रही है देश के लिए, हम अपने काम कर रहे हैं, अपने महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि शुरू से ही जो है आप इस विवाद को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर कभी आप कहीं ना कहीं मालती का सपोर्ट करती है, कभी विष्णु का सपोर्ट करती है, तो इस तरीके से घर के विवाद को बाहर लाना क्या जरूरी है? मैंने एक बार विष्णु का सपोर्ट किया था जब मालती चौहान चली गई थी शादी करके, तब उसके बाद मैंने मालती के खिलाफ दो वीडियो बनाई। मालती अभी आप किसके खिलाफ है, किसका दोषी है? अभी हम ये कहा जा रहा है एक तरफ जो है मालती के जो पिता है वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये घटना जो है अर्जुन और विष्णु के द्वारा किया गया है, वही विष्णु के परिवार कह रहे हैं कि ये घटना जो है वो कुछ नहीं। भैया देखिए जांच का विषय है पहली बात। आपसे मालती मिली हुई थी कुछ समय पहले मरने से पहले? हाँ, मेरे क्या बोली आपसे मिलके? वो मेरे से मरने से पहले मिली थी तो मेरे घर गई थी वो। हाँ। जब मैं उसका मदद नहीं कि मेरे घर भी गई थी वो। हाँ। तब मैं उसका मदद करती हूँ, यहाँ तक मैं इसको कोर्ट ले जाती हूँ, एक सुलहनामा लिखवाती हूँ। हाँ। कैंट थाने से उसका समझौता करवाती हूँ, सारा चीज करती हूँ वहाँ से। हाँ। अब देखिए मेरा थाना गोरखपुर पड़ता है। हाँ। तो मैं गोरखपुर न जाऊंगी, अब गोरखपुर से यहाँ मैं नहीं ना आऊंगी, घनघटा नहीं ना आऊंगी, गोरखपुर कबीर नहीं ना आऊंगी, मेरा थाना जहाँ पड़ता है मैं वहीं जाऊंगी। मेरा थाना तो खोराबार पड़ता है, मैं वहाँ नहीं लेके जाती हूँ, मैं सीधा गोरखपुर लेके जाती हूँ। गोरखपुर कैंट थाना जो होता है बहुत बड़ा, सभी लोग जानते हैं वहाँ पे कि गोरखपुर थाना होता है। एक और सवाल उठा रहे हैं कि आप लोग जिस तरीके से काफी पहले से YouTube पर बनाते हैं और आप लोगों ने YouTube पर इस तरीके से गंद फैला दिया है कि आज समाज में जो है बहुत सारे जो महिलाएं हैं वो सर उठाने से डर रहे हैं, आपके चलते बहुत सारे जो महिलाएं हैं कहीं ना कहीं वो बदनाम हो रहे हैं समाज में। अच्छा, मेरे चलते से आप लोग अश्लील वीडियो बनाए पहले? मेरे चलते जो गंद मचा रहा है उसके पास कोई जा ही नहीं रहा। जो गंद मचा रहा है उसके पास जाइए, सवाल पूछिए, उसके पास नहीं जा रहे हैं। रिपोर्टर उसको पैर के चले आ रहे हैं, जो अश्लील वीडियो बना रहा है, फैलाए होते तो यहाँ आप लोग के बीच में नहीं खड़े होते। हमको देख के हजारों महिलाएं वीडियो बनाना सीखी है। अगर गंद फैलाए होते तो हम यहाँ आप लोग के बीच में नहीं खड़े होते, हम भी कोने अतरे छुपे होते जैसे अश्लील वाले छुपे होते। एक मिनट बोलने से पहले मेरा चर्च चैनल जाकर सर्च कर लीजिए, गोरखपुरिया भौजी म्यूजिक नाम से एक चैनल होगा। हाँ। जाकर देखे, कोई मेरा पक्का दुश्मन होगा, वो भी वो गाना देख करके रो देगा जो समाज पे होता वही गाना। अच्छा, मैं खुद सिंगिंग करती हूँ। ये जो मामला हुआ है मालती और विष्णु का, इसमें आपको दोषी कौन लगता है? इसमें दोषी जो होगा उसको सजा मिलेगा, फिलहाल में विष्णु दोषी है। क्या आपको वैसा सबूत दिखाया गया विष्णु? देखिए जांच जब होगा पता चल जाएगा। पहले सुलनामा में आप जाती है सुलह कराती है जी, दूसरा सुलनामा होता है तो आपको क्यों नहीं बुलाया जाता? पता नहीं क्यों नहीं बुलाया जाता, मीडिया वाले को नहीं बुलाया जाता। रुक जाए, एक सवाल नहीं बुलाया जाता। अच्छा, अभी आप मालती के न्याय के लिए किस तरीके से आगे काम करेंगी आप? मालती के पापा जैसा कहेंगे, मालती के पापा ने मुझसे गुहार लगाई है, मुझसे मदद मांगी है, तो मैं मदद करने प्रशासन से द्वारा मदद करेंगे, प्रशासन के पास आएंगे जाएंगे, प्रशासन से विनती करेंगे, गुहार करेंगे, जो हमसे हो पाएगा हम करेंगे। जब तक चार्ज शीट फाइल नहीं होती है तब तक हम किसी को दोषी कैसे कह सकते? देखिए सर, इसकी बात है, अगर विष्णु को लेकर क्या कहना चाहेंगे? विष्णु को लेकर यही कहना चाहते हैं, जो भी किया गलत किया उसको कॉल रिकॉर्डिंग वायरल नहीं करना चाहिए। विष्णु का गलती है? गलती तो ये है, आप बताइए गलती नहीं है? आप खुद अपनी बीवी का एक शुरुआत वही गलती नहीं है? वीडियो भी वायरल किया, ऑडियो गलती आप लोग देखे हैं, उसकी अश्लील अश्लील वीडियो जा करके वायरल कर देता, गलती नहीं है उसकी। कौन पति अपने बीवी का शादी करवाता है? इस दुनिया में कोई पति जो अपने बीवी का शादी करवाता है? एक आईडियो विष्णु वायरल करते हैं और दूसरा मालती का आईडियो नहीं, ये गलत लोग है, ये भी कह रहे हैं ये गलत है, ये गलत है सर, साइलेंट हो जाइए, गलत है, गलत सवाल मत पूछिए। हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए, हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए। फोन सुनिए, आप कोई कम वो कर रहे हैं, जब आपका चैनल डाउन होता है अपने पति को कभी नेपाल भेज देती है? हाँ बताइए, दूसरा कोई नहीं बोलता है। आप हमें उठा रहे हैं कि मैं गाली दूं आप लोगों को, आप अपने टीआरपी के लिए गोरखपुरिया भौजी को नीचे, आप एक मर्द होकर के मुझे नीचे गिरा रहे हैं। आप बोले 2 मिनट के लिए बाइट लेना है, आप भी बोल रहे हैं।
सारी कहानी ये लोग खुद रस्ते और ये लोग खुद बोलते हैं दूसरा आदमी ये बताइए ये उत्साह है दोस्तों मेरा आवाज कटना नहीं चाहिए ये लोग हमको उत्साह है गाली देने के लिए मालती को नहीं दिलाने के लिए ना हम लोग आए हैं ऐसा थोड़ी ना जब देखो तब महादेव जी को हम भगाए महादेव जी को हम भगाए कोई सबूत है कोई सबूत है महादेव जी मेरे गए थे मैं भगाई थी मालती को हो रही थी महादेव जी कहाँ से आ गई कौन किया है कौन सवाल हमारा भी सुनिए जो मीडिया वाले एक मिनट गाली दिया गाली डालो जो मीडिया वाले बोलते हैं कि सवाल उठ रहा है सवाल आप लोग खुद उठवाते हैं आप लोग खुद खोद खोद के पूछते हैं मजबूर करते हैं किसी को कुछ नहीं आता आप लोग मजबूर करते हैं किसी को बोलने के लिए कुछ नहीं आता गाली देने पे आप लोग मजबूर चलिए अंदर आप लोग गाली माने मत देख सकते हैं सवालों से लगातार अब ये लोग भाग रहे हैं और कहीं न कहीं अगर ये देखा जाए न्याय जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो चल रहा है लोग कर रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर कंटिन्यू आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं अब देख लीजिए यहाँ पर ये आए थे अंतिम संस्कार में लेकिन ये लोग झगड़ा कर ले रहे हैं आपको बता दें कि गोरखपुरिया भौजी जो हैं वो सवालों से कहीं कहीं डर रही हैं और सवालों के डरने से वो भाग रहे हैं चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त जय हिंद जय भारत